वंस अगेन वेलकम टू अनदर व्लॉग। और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये व्लॉग किस पे होने जा रहा है। काफ़ी टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है क्योंकि बिजनेस कुछ ऐसा है कि टाइम मिल ही नहीं पाता यूट्यूब के लिए। तो फाइनली ये डिसीजन लिया है, बिजनेस को साइड पर रख के निकल चुके हैं हम एक ऐसे सफर पर जो सफ़र आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो फिलहाल दिखा देते हैं आपको क्या ओवर ऑल कंडीशन है। इब्रार भाई इनको हम छोड़ चुके हैं पीछे ताकि ये बिजनेस को संभालेंगे। या आगे जैसे व्लॉग पैकिंग देख सकते हो चल रही है। पैकिंग कम्प्लीट होने के बाद निकलेंगे हम यहाँ से। ये देखो भाई हमारे डब्बे साथ है आज। कसम खाई है कि खर्चा बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से हम कैंडी करेंगे वाइन। तो देखते हैं कैसा सफर रहता है। तो बने रहें एंड तक और देखते रहें एपिसोड 1। पैकिंग देख सकते हो आप, हमने जो सामान हमें जो जरूरत पड़ने वाला हमने रख लिया है, साथ में एक स्लीपिंग बैग एक्स्ट्रा। मेरा रूम तो खाली कर रहा है, पैकिंग कर रहा है। और ये देखो बिल्कुल इनके रूम में जो भी था हमने यहाँ से उठा लेना है। वापस आएगा नहीं आएगा ना, या तो ठीक है किसी तरह हमें फेंक देंगे रास्ते में। तो देखते हैं फिर क्या कुछ चलता है आगे। गाड़ियों की जो सिलेक्शन है वो हो चुकी है, ग्लेंजर रखनी है हमने यहाँ पे, लेके जाएंगे ब्रीजा बूट्स भी अच्छी है और सबसे अच्छी चीज़ माइलेज और एक डीजल। तो इसको हमने बेहतर समझना ले जाने के लिए। फिलहाल करते हैं पैकिंग फिर निकलते हैं यहाँ से। निकल चुके हैं हम सुजमा रोड पे और ये रहा ऑल ओवर सेटअप, पानी डिस्पोजल ए टू जेड जो भी सामान था हम ले चुके हैं। ये रहा यासिर भाई का बैग, बैग की पैकिंग दिखाते हैं आपको। ये रहा कुछ बैग का सेटअप, सब कुछ ए टू जेड। कुछ सामान है वो गीला है रास्ते में रुकेगा, फिर वो निकलेंगे। अभी जो हमने लेना था गैस वो ले लिया, चावल ये रहे, पानी की बॉटल और सामान सारा ऑल ओवर सेट ओके। फिर यहाँ से निकलते हैं आगे और करते हैं ये सफ़र शुरू। सफ़र हो चुका है शुरू और टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद शुरुआत हो चुकी है इस छोटे से टनल की। और इस रोड पे मैक्सिमम आपको टनल दिखते रहेंगे, कुछ बन रहे हैं वो भी काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं इस सफ़र पे जो सफ़र करने वाले हैं उनके लिए। ये रहा छोटा सा टनल, इसके बाद एक और आएगा, फिर उसके बाद एक और फिर उसके बाद आएगा नाशी टनल। क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं चंद्रकोट एरिया में। यहाँ से अराउंड 30-40 किलोमीटर होगा और यहाँ पे साथ में देख सकते हो देख टैंकर की चाल ना रास्ता बिल्कुल टैंकर वाले देख टैंकर की चाल ना रास्ता आगे जाते हैं देखते हुए अच्छी सी जगह और वहाँ पर बनाएंगे चाय। चाय पी के फिर करेंगे आगे का सफर शुरू। चाय आज पियेंगे नहीं, चाय पर हम बनाएंगे और फिर पियेंगे। डेली लाइफ में पी पी के आ जाता है मतलब निकल ही गया कि यार पिएंगे, बट हमने आज खुद बनानी है। और हमारी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है कि हम इस तरह के पिकनिक पर निकले हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। रामबन के पास हम पहुंच चुके हैं और वक्त हो चुका है एक चाय का, क्योंकि मीठापन जरूरी है शुरुआत करने से पहले। यासिर भाई लगे हुए हैं चाय बनाने में, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उस साइड से जब गाड़ी क्रॉस होती है तो उनकी हवा इस पे लग रही थी, इसलिए हमने गाड़ी के राइट साइड पे रखा ताकि जो हवा आएगी वो पास होके यहाँ पे ना आए। चाय बनेगी फिर पियेंगे, चाय वगैरह पी के निकलेंगे यहाँ से आगे। सुबह नहीं देख सकते हो आप इस रोड पे जो मशीन काम कर रही है, कितनी लैंडस्लाइड आ गई और पूरी पूरी मशीन लैंडस्लाइड से हट गई। फिलहाल आई थिंक एरिया जो जो है रामसू है बना पहुँचते हैं, फिर उसके बाद करते हैं वहाँ पे स्टे, तो फिर करते हैं ब्लॉग का नेक्स्ट एपिसोड का तो शुरू होगा श्रीनगर टू। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं बनिहाल सिटी और टोल प्लाजा जो है यहाँ से 1 किलोमीटर है। टाइम बच चुका है 3, टाइम बच चुका है सोने का। सेटअप हमने ये यहाँ पर कर दिए, मैंने यहाँ पर सुना पीछे और यहाँ से मैंने सुना आगे आगे हमने जो है नीचे सेटअप कर दिया प्रॉपर प्लेन एंड डॉल्फिन के टायर के पीछे लगा दिए पत्थर ताकि गाड़ी आगे पीछे ना जाए। और अब यहाँ पर आराम से सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के करेंगे लद्दाख की शुरुआत। कैंप जो है हमारे वो हैं
कश्मीर में, वहां से हमने कैंप लेने हैं, फिर उसके बाद कल से हम सोएंगे बाहर आराम से। टेंशन नहीं भी है, कैंप नहीं भी होता तब भी हम आराम से गाड़ी में सो सकते हैं। तो फिलहाल गुड नाइट, बाकी सुबह का दिखाते हैं आपको कश्मीर का व्यू, फिर उसके बाद करते हैं इस व्लॉग का एंड। प्यारी सी सुबह हो चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो आप सामने सूरज भी निकल चुका है, टाइम हो चुका है 8। सूरज उधर से निकला है बट उसकी शेड जो यहाँ पे पड़ रही है। तो फिलहाल करते हैं आगे जाके ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं इस व्लॉग का एंड। इंटर हो चुके हैं हम कश्मीर के गेट पे काजीकुंड, और यहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट, बनाएंगे ब्रेकफास्ट। कपड़े कुछ हैं वो धोए हुए हैं, वो थोड़े सुखाने, फिर देखते हैं आगे क्या कुछ प्लान रहता है। निकलना है हमने करगिल। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, पहुंच चुके हम टूर प्लाजा के पास, हो रही है देखो बन रही है चाय। चाय के साथ फिलहाल ले रहे हैं सिंपल सा ब्रेड और फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से करगिल। तो करते हैं फिर इस व्लॉग का एंड, बने रहे एंड तक। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, कैसा सफर रहता है श्रीनगर से करगिल तक। देखते हैं आगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑल।